नमस्कार मित्रों, हमें सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लगातार आपके लिए कुछ नया कुछ अलग लेके आ रहे हैं, बहुत सारी विधियां बहुत सारे उपाय हम आपको दे रहे हैं और हमें पूरी आशा है कि इसमें आपका लाभ हो रहा होगा, आपको उसका फल मिल रहा होगा। ये बता रहे हैं आपके सब्सक्रिप्शन और आप जिस तरीके से हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, ये हमें बताते हैं कि आपको लाभ हो रहा है। तो आज हम फिर आपके लिए कुछ लेके आए हैं, बहुत छोटा सा टोटका है, रोज कर सकते हैं आप और रोज करिए। जैसे भोजन से पहले आप भोजन मंत्र पढ़ते हैं, ऐसे ही भोजन करने से पहले थाली के नीचे, यानी थाली जिस जगह पर रखी जाती है उस जगह पर एक पानी से त्रिकोण बना दें, यानी उंगली में पानी डाल के एक त्रिकोण बना दें। उसके बाद उसके ऊपर रखकर अगर आप खाना खाते हैं तो आपके खाने को नजर नहीं लगे, ये एक अच्छा उपाय है। इसी तरह बहुत सारे लोगों का यदि खाना बना हो, मतलब घर में बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारा खाना बना हुआ है, रसोई घर में रखा हुआ है, तो आपको मेरी राय है कि वो सारा खाना कपड़े से ढक दें या फिर खाने का जो मुख्य मिष्ठान यानी डेजर्ट उस पे आप एक कोयला रख दें। उसके साथ भी कोयला रख सकते हैं, उसके ऊपर रखने की आवश्यकता नहीं, उसके साथ एक कोयला रख दें तो भी आपके खाने को नजर नहीं लगती। इसके अलावा भोजन को नजर न लगाने की एक और विधि है, सभी प्रकार का खाना एक थाली में लेकर, यानी जितनी तरह का भोजन बना है उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा एक थाली में डाल लें, फिर उसमें एक दीप प्रज्वलित करके अपने देवालय में रख दें। इससे आपके खाने पर नजर नहीं लगती और घर में किसी तरह की भोजन सामग्री की कमी भी नहीं। तो ये आसान उपाय थे भोजन पर नजर लगने से बचाने के लिए। हमारी यही कामना है कि आपको कभी भी भोजन की कमी ना हो, भोजन धन धान्य किसी भी वस्तु की कमी ना हो। हमें सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।